चलिए आज बनाते हैं बहुत मुश्किल लगने वाला चीज़ केक बहुत ही आसानी से। तो आज हम जो चीज़ केक बनाने वाले हैं उसे हमें बेक भी नहीं करना है, उसे स्टीम भी नहीं करना है। तो नो बेक नो स्टीम चीज़ केक। तो आज हम बनाने वाले हैं मैंगो चीज़ केक, क्योंकि मैंगो का सीजन चल रहा है तो मैंगो चीज़ केक तो बनता है। तो चीज़ केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मोल्ड। चीज़ केक बनाने के लिए एक स्पेसिफिक मोल्ड आता है जो सबके पास नहीं होता है, तो मेरे पास भी नहीं है। तो चलिए आज कुछ जुगाड़ करते हैं और बिना मोल्ड के ही हम चीज़ केक बनाएंगे। तो नो बेक नो स्टीम और नो मोल्ड, तीनों चीज़ हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही हम चीज़ केक बनाएंगे। तो आधी प्रोसेस तो ऐसे ही इजी हो गई है चीज़ केक बनाने की। तो चलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है बटर पेपर और उसे आपने देखा उस तरह मैंने उसे 3 बार फोल्ड कर लिया है। और अब उसे हमें कट कर लेना है मेजर करके। जो हमें टिन यूज करना है चीज़ केक बनाने के लिए उसे हम सेंटर में से मेजर कर लेंगे और उसे कट कर लेंगे। और इस तरह इसमें 3 कट लगा लेंगे। बीच का जो कट है वो थोड़ा चौड़ा रहेगा, आजू बाजू के कट है वो हम थोड़े से छोटे करेंगे, मतलब कि स्मॉल रखेंगे। चलिए कट हो गया है और ये बटर पेपर को मैंने खोल लिया है और अब टिन के अंदर हम रख के देख लेते हैं कि अच्छे से फिट आया है कि नहीं। तो ये देखिए बटर पेपर टिन के अंदर अच्छे से फिक्स हो गया है। चलिए अब करते हैं आगे की प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 पैकेट डाइजेस्टिव बिस्किट के। आप कोई से भी बिस्किट ले सकते हो, आपको जो पसंद है वो ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 15 बिस्किट लिए हैं। आप थोड़े ज़्यादा और थोड़े कम भी ले सकते हो, लेकिन मैंने 15 लिए हैं क्योंकि मेरा टिन जिस साइज का है उस हिसाब से मुझे 15 बिस्किट चाहिए। और अब इसे हमें क्रश कर लेना है। आप इसे कूट के भी ले सकते हो या फिर इस तरह चॉपर में या फिर मिक्सचर में उसे क्रश कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि बिस्किट को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। चलिए अब ले लेते हैं एक छोटा सा बोल और उसके अंदर हम ले लेंगे बटर। यहाँ पे हमें मेल्टेड बटर चाहिए, तो मैं बोल के अंदर थोड़ा सा बटर निकाल लूंगी, तकरीबन 3 टेबल स्पून जितना, और इसे मैं माइक्रोवेव में मेल्ट करूंगी। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप स्टील की कोई कटोरी या फिर बर्तन में इसे लेके गैस पे भी गर्म कर सकते हो। बटर को मैं माइक्रोवेव में 20 से 30 सेकेंड तक गर्म करूंगी। 20 सेकेंड में ही ये अच्छे से मेल्ट हो गया है। आप देख सकते हो कि बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है, क्योंकि गर्मी ही इतनी ज्यादा है कि इसे मेल्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा है। चलिए अब ले लेते हैं और एक बोल और अब क्रश किए हुए सारे बिस्किट हम इसके अंदर डाल देंगे और इसके अंदर डाल देंगे बटर और इसे स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको लगे कि बटर थोड़ा सा कम है तो और बटर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो पीछे से मैंने 2 टेबलस्पून जितना बटर और ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपको इसे इस तरह दबा के देख लेना है, अच्छे से ये सेट हो जाए तो समझ लेना है कि हमारा ये मिक्सचर रेडी है। चलिए अब टिन के अंदर ये सारा मिक्सचर हमें डाल देना है और इसे अच्छे से सेट कर लेना है। तो इसे हमें दबा के अच्छे से इसके अंदर सेट करना होगा ताकि बिस्किट का जो लेयर है अच्छे से सेट हो जाए और जब हम चीज केक को कट करें तब उसका जो लेयर है वो बिखरे नहीं, इसीलिए हमें इसे अच्छे से दबा के सेट करना होगा। आप इस तरह का कोई ग्लास ले सकते हो जो नीचे से एकदम फ्लैट होता है, उससे हमें इस तरह दबा लेना है तो ये जो नीचे का लेयर है अच्छे से सेट हो जाएगा। तो मैंने इसे अच्छे से दबा लिया है और ये हमारा लेयर एकदम रेडी है। और अब इसे रख देते हैं फ्रिज में सेट होने के लिए। इसके अंदर हमने बटर का यूज किया है तो बटर फिर से सेट हो जाएगा, मतलब कि फ्रिज में रखेंगे तो सॉलिड हो जाएगा, तो ये जो लेयर है हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा। चलिए इसको रख देते हैं। और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 पैकेट दूध, मतलब कि 1 लीटर मैंने यहाँ पे दूध ले लिया है। दूध से हम बनाएंगे क्रीम चीज। क्रीम चीज हम घर पे ही बनाएंगे क्योंकि मार्केट में बहुत महंगी मिलती है और किसी किसी एरिया में मिलती भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 लीटर दूध ले लिया है और इसे गर्म करने के लिए रख दिया है। और अब एक बोल ले लेंगे और उसके अंदर ले लेंगे 2 टेबलस्पून जितना विनेगर। आप यहाँ पे लेमन का भी यूज कर सकते हो, लेमन जूस का भी यूज कर सकते हो, लेकिन लेमन हमें थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। चलिए अब विनेगर के अंदर ऐड कर देते हैं 4 चम्मच भर के पानी। तो जितना हमने विनेगर लिया था उसका दुगना हमें पानी डाल देना है। और अब यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ पतीली जिसके अंदर मैं दूध गर्म करती हूँ। तो दूध तो खत्म हो चुका है लेकिन इसके अंदर ऊपर जो मलाई बनती है वो मेरे पास है। तो तकरीबन 1 लीटर दूध की मैंने मलाई इसके अंदर डाल दी है। तो तकरीबन 1 कप जितनी मलाई होगी और मलाई जैसे ही मेल्ट हो जाए वैसे ही हमें गैस को बंद कर देना है। दूध को हमें उबालना नहीं है, इसमें बिल्कुल भी उबाल नहीं आना चाहिए, इसे हमें थोड़ा सा ही गर्म करना है। पतीली में आपको साइड्स में थोड़े से बबल दिखे तब गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेना है और विनेगर वाला मिक्सचर इसके अंदर डाल देना है और धीरे धीरे इसे मिक्स कर लेना है।
तो आप देख सकते हो कि हमारा चीज बनके एकदम रेडी है। इसका टेक्सचर थोड़ा सा चिपचिपा होता है पनीर की कंपैरिजन में। पनीर और चीज बनाने का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन इसमें खाली हमें दूध गर्म करने में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। चीज बनाने में हमें दूध को थोड़ा सा ही गर्म करना होता है और पनीर बनाने के लिए हमें दूध में एक उबाल लाना होता है। चलिए अब चीज को छान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली है एक पतीली, उसके ऊपर रख दी है एक छलनी और उसके ऊपर रख दिया है एक मलमल का कपड़ा और इसे इस तरह मैंने छान लिया है। इसे हमें अच्छे से निचोड़ लेना है, सारा जो एक्सेस वाटर है वो हमें निकाल लेना है और अब इस चीज को हमें 2 से 3 बार अच्छे से धो लेना है ताकि जो विनेगर की इसके अंदर खटास है वो सारे निकल जाए। तो इसे हम ठंडे पानी से 2 से 3 बार एकदम अच्छे से धो लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल गई हूँ कि आप यहाँ पे घर की बनी मलाई का यूज करना नहीं चाहते हो तो आप मार्केट में जो फ्रेश क्रीम मिलती है उसका भी यूज कर सकते हो। तो चलिए अब यहाँ पे हमारा चीज भी अच्छे से धुल के एकदम रेडी है। इसे एकदम से हमें नहीं निचोड़ देना है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी हम रखेंगे, थोड़ा सा मॉइस्चर रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा क्रीमी बने। चलिए अब ले लेते हैं एक और बोल और उसके अंदर हम निकाल लेंगे ये सारा चीज। यहाँ पे हमें थोड़ी सी बड़ी साइज का बोल लेना है क्योंकि चीज को हमें फेंटना भी है, तो फेंटने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, तो थोड़ा सा बड़ा बोल लेंगे और कपड़े के अंदर जो भी चीज बची है वो सारी चीज हम इसके अंदर ले लेंगे। आप देख सकते हो कि एकदम परफेक्ट चीज बनके रेडी है और अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, ज्यादा नहीं डालेंगे, एकदम पिंच जितना हम इसके अंदर नमक डालेंगे क्योंकि चीज के अंदर नमक होता है। और अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून जितना बटर और 2 से 2.5 बड़े चम्मच भर के हम डाल देंगे इसके अंदर व्हीपिंग क्रीम। अगर आपके पास व्हीपिंग क्रीम नहीं है तो आप 1 कप भर के फ्रेश क्रीम भी ले सकते हो। और अब इसके अंदर डाल देंगे 3 चम्मच भर के पीसी हुई चीनी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसे फेंट लेंगे। तो इस तरह का मेरे पास बीटर है, डबल बीटर। अगर आपके पास इस तरह का बीटर नहीं है तो आप विस्कर से भी इसे फेंट सकते हो। तो मैंने यहाँ तकरीबन इसे 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लिया है। अगर आप विस्कर का यूज कर रहे हो तो इसे आपको थोड़ा सा ज्यादा फेंटना होगा। चलिए अब ले लेते हैं एक पकी हुई आम और इसे हमें कट कर लेना है, छील के इसे कट कर लेना है और इसका पल्प बना लेना है। पल्प बनाने के लिए इसके अंदर हम बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं करेंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच भर की चीनी और इसे मिक्सर में क्रश कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा मैंगो पल्प एकदम रेडी है और अब इसे डाल देना है चीज वाले मिक्सर में। तकरीबन 3 से 4 चम्मच जितना पल्प है ये और अब इसे हमें फिर से फेंट लेना है। तो अब फिर से हमें इसे 5 से 7 मिनट के लिए फेंट लेना है। 5 से 7 मिनट में ये अच्छे से लाइट और फ्लफी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि एकदम लाइट और फ्लफी हमारा ये जो मिक्सर है, चीज का मिक्सर एकदम रेडी है। मिक्सर हमारा जितना लाइट और फ्लफी होगा उतना ही हमारा चीज केक बढ़िया बनेगा। तो जब तक ये अच्छे से लाइट और फ्लफी ना हो जाए तब तक इसे हमें फेंट लेना है। चलिए अब फ्रिज से निकाल लेते हैं टिन जिसके अंदर हमने बिस्किट का मिक्सर सेट किया था। तकरीबन आधे से पौना घंटा हो गया है और मिक्सर अच्छे से सेट हो गया है और अब जो चीज वाला मिक्सर हमने रेडी किया है वो इसके ऊपर डाल देना है। सारा मिक्सर हम डाल देंगे और अब इसे हमें थोड़ा सा टैप कर लेना है ताकि मिक्सर अच्छे से सेट हो जाए और स्पैचुला की हेल्प से इसे ऊपर से इवनली स्प्रेड कर लेना है और इसे रख देना है फ्रिज में 4 से 5 घंटे के लिए। 4 से 5 घंटों में हमारा चीज केक एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा। चलिए 4 से 5 घंटे होने को आए हैं और अब मैंने ले ली है एक मैंगो और इसे हमें कट कर लेना है। ऊपर से हम इसे गार्निश करेंगे पके हुए मैंगो से, तो इसे छोटे छोटे पीसेस में हम कट कर लेंगे। तो इस तरह आप इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि अच्छे से हमारे स्क्वायर पीसेस निकल के आ गए हैं और चीज केक हमारा अच्छे से सेट हो गया है। चलिए अब इसे अनमोल्ड कर लेते हैं। इसे टिन से निकालने के लिए चारों तरफ से हमें थोड़ा इसे खींचना होगा। जो बटर पेपर है उसे हम खींचेंगे तो इजीली ये निकल आएगा। तो ये देखिए चीज केक हमारा निकल के आ गया है और अब इसे ले लेते हैं एक बोर्ड के ऊपर। आप देख सकते हो कि कितना परफेक्टली हमारा चीज केक सेट हुआ है। चलिए अब इसे गार्निश कर लेते हैं पके हुए मैंगो से। तो ये लीजिए चीज केक हमारा एकदम रेडी है। नो बेक, नो स्टीम, नो मोल्ड, मैंगो चीज केक एकदम रेडी है। अब मार्केट से महंगे महंगे चीज केक लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप घर पे ही इसे आसानी से बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बना सकते हो। तो मैंगो का सीजन जाए उससे पहले ये मैंगो चीज केक जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्णा।